वह कौन है गाड़ी में? स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अबे ये तो सलमान भाई जान है। अस्सलाम वालेकुम बिग बैन। ये सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा लहरा क्यों नहीं रही है? लहरा यही 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 लहरा यही यही तो चलिए शुरू करते हैं। तो और मेरे PUBG लाइट वाले भाइयों, तो कैसे यार आप सभी लोग, तो एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आ चुका मैं एक और वीडियो लेके भाई, फिर से भाई कॉन्करर के आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, जिससे कि गाइस आप आसानी से भाई कॉन्करर पहुंच जाओगे। अब तुम ज़्यादातर बंदे भाई कॉन्करर को भाई मतलब भाई ऐसे मजाक में लेते हो तो भाई आपका माइनस लग जाता है, लेकिन गाइस ये एक सीरियस मैच होता है, क्योंकि गाइस भाई आपको इस वाले गेम को भाई सीरियस बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि गाइस आपका अगर माइनस हो गया तो तुम्हें पता है भाई कितना टाइम लगता है उस वाले भाई माइनस को प्लस करने में। तो भाई आप लोगों को पता ही होगा, जो भाई सोलो कॉन्करर रैंक पुश करते हैं या डुओ स्क्वाड में सब कुछ करते हैं। तो देखो गाइस अगर आपके पास भाई स्क्वाड अच्छे है तो भाई स्क्वाड में कर लो, वरना गाइस अगर आपके पास एक बंदा अच्छा है जिससे गाइस आप डुओ कर सकते हो तो गाइस डुओ में रैंक पुश कर सकते हो। लेकिन गाइस मैं तो हमेशा की तरह भाई सोलो में रैंक पुश करता हूं और आपको भाई सोलो पे टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूं। देखो गाइस भाई आज मेरा भाई कॉन्करर हो जाता, लेकिन गाइस कल क्या हुआ था, मतलब कि गाइस मैं जब गोल्डन रोड खेल रहा था तो भाई उसमें ऐसे बंदे आ रहे थे, मतलब एकदम भाई कॉन्फिग हैकर भाई कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि गाइस वो बंदे भाई मुझे 4 से 5 गोली में मार दे रहे थे और भाई मैंने रात को बहुत माइनस खाया तो भाई मैं सो गया। मतलब कि गाइस अब कॉन्करर बाद में ही करेंगे, मतलब कि इतने खतरनाक बंदे आ रहे थे गोल्डन वुड में। और हाँ गाइस भाई तुम्हें भी पता ही होगा कि मतलब जब हम गोल्डन वुड मैप में भाई मरते हैं ना किसी बंदे से तो भाई ऐसा लगता है भाई हैकर ने मारा, क्योंकि गाइस उसमें भाई एम असिस्ट बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब आप भी भाई किसी बंदे को मारोगे तो भाई तुम्हें लगेगा कि भाई मैं हैकर हूँ, बट ऐसा नहीं है, मतलब भाई सामने वाले का भी एम असिस्ट वैसा ही होता है। भाई बहुत सी बार भाई मैं रात को मरा था और गोल्डन वुड में, और गाइस मैंने भाई उसी टाइम भाई अपना मैप चेंज कर लिया, क्योंकि गाइस भाई मैं रात को भाई ROG 3 में खेल रहा था और भाई तुम्हें पता ही होगा कि मतलब भाई ROG 3 में एम असिस्ट बिल्कुल ही कम है, तो इसलिए भाई मैं रात को बार बार मर रहा था, मतलब भाई बंदे हैकर जैसे मार के जा रहे थे। अभी के टाइम में गाइस मैं Redmi Note 9 Pro में खेल रहा हूँ, मतलब भाई फुल ही एम असिस्ट। सामने की तरफ गाइस आपको यहाँ पे गाड़ियाँ घूमती दिख रही होगी, लेकिन गाइस इन पे जब मैं फायर करूंगा ना तो गाइस यहाँ पे कोई भी बंदा मेरे को यहाँ पे मार सकता है। मैंने भाई ये वाली बात तो नोटिस जरूर कर ली कि मतलब कोई बंदा भाई K98 चलाता है तो कोई किधर से मार देता है, तो भाई मैं थोड़ा फायर बाद में करूंगा जब गाइस कोई बंदा अकेला दिखेगा। यहाँ पे गाइस मैं थोड़ी देर इधर ही रुका रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जोन बना हुआ था और थोड़ी देर भाई यहाँ से मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा भाई जोन की तरफ। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास होती है भाई M24, तो भाई सामने वाली घर में मुझे एक बंदा दिखता है जो गाइस पता नहीं मुंह फाड़ रहा था सामने की तरफ, तो बस देखो कैसे मारता हूँ इसको। और भाई सामने वाले बंदे को भाई क्या ही M24 का शॉट पड़ा, मतलब भाई वो सोच रहा होगा भाई इसके पास कहाँ से आ गए। यहाँ पे गाइस सामने की तरफ मुझे गाड़ी दिखती है, इसको डैमेज देने का मैं ट्राई करता हूँ। और भाई मैंने भाई वेरेंगा मैप में एक और बात ये नोटिस की है कि मतलब कि गाइस लास्ट तक भाई बंदे बस गाड़ियाँ लेके ही घूमते रहते, पता नहीं भाई इनके पास भाई इतना पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि गाइस अभी भाई पेट्रोल महंगा पड़ा है तो मतलब भाई इतना पैसा कहाँ से आता है इनके पास, और भाई गाड़ियाँ लेके लास्ट सर्कल तक घूमते रहते हैं। यहाँ पे गाइस मेरे पास फर्स्ट एड पड़ी हुई थी, भाई मैं पहले भाई गाड़ी लेके भागने का ट्राई करूंगा, क्योंकि गाइस सिंह डेल्टा की तरफ एक बंदा था जो गाइस यहाँ पे मेरे को डैमेज देता है, तो भाई पहले भाई मैं जोन की तरफ शिफ्ट होना चाहूंगा। और गाइस ये भी बात सही है कि मतलब कि गाइस आपको गाड़ी लेके पूरे सर्कल तक भाई घूमते रहना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर गाइस आप किसी भी घर में रुकते हो तो भाई बंदे आपको RPG से मार देंगे या S12K से मार देंगे, अगर गाइस आप थोड़ा सा पीक करोगे तो भाई मेरे जैसे बंदे भाई M24 से मार देंगे या AWM से मार देंगे। यहाँ पे गाइस सिंह डेल्टा वाला बंदा आ चुका था भाई सामने वाले घर में, यहाँ पे मेरे पास होता भाई ग्रेनेड तो भाई मैं ग्रेनेड ट्राई करता हूँ, लेकिन गाइस इस वाले ग्रेनेड से कुछ नहीं होता और बंदा आ जाता नीचे, तो बस देखो कैसे मारता इसको।
और यहाँ पर गाइस मैं सामने वाले बंदे की पेटी भाई इजी बना देता हूँ। इस वाले बंदे का ध्यान होता गाइस सामने वाले वेयर हाउस की तरफ। अब मुझे लगा वहाँ पर गाइस बंदा होगा, बट वहाँ पे बंदा कोई भी ना होता। तो भाई यहाँ से मैं जल्दी से गाड़ी उठाता हूँ और उस वाले बंदे की भाई पेटी लूटने के लिए चला जाता हूँ। और गाइस आपको भी ऐसा करना है, जब आप लास्ट के सर्कल में किसी बंदे को मारते हो ना, तो गाइस उसकी पेटी जरूर लूटना है, क्योंकि गाइस ज़्यादातर बंदों के पास भाई बहुत सारे भाई हेल्थ किट रहते हैं, तो भाई आपके हील पॉइंट में काम आ जाएगी। क्योंकि गाइस हेल्थ किट आप ज़्यादा यूज करोगे ना, तो गाइस आपको हील पॉइंट भी अच्छे खासे मिल जाएंगे, जिससे गाइस आपका जल्दी से भाई कॉन्करर हो जाएगा। इस वाले बंदे को भाई मैं थोड़ा सा डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, तो बस देखो। अब देखो गाइस भाई छोटा सा जोन हो चुका है, लेकिन गाइस आप अलाइव पे ध्यान दो ना, तो भाई 17 बंदे अलाइव है इस वाले भाई छोटे से जोन में। यहाँ से गाइस मैं तुरंत गाड़ी उठाता हूँ और भाई जोन की तरफ चलता हूँ, क्योंकि अभी का भाई जो जोन है ना भाई वो जल्दी से भाई अपनी हील खा जाएगा, तो भाई अपने को जोन की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। ऐसे सर्कल में आप भी ऐसा कर सकते हो। तो गाइस मैं जोन की तरफ जा रहा था और भाई आपको सिर्फ जो कोने होता है ना, तो गाइस वहाँ से आपको गाड़ी घुमानी है। यहाँ पे गाइस मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे सामने की तरफ एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया होता, तो भाई मैं उस वाले बंदे पर थर्ड पार्टी कर देता हूँ। तो देखो और गैस इस वाले बंदे की भाई गलती क्या होती है कि मतलब इस वाले बंदे ने भाई दूसरे बंदे को तो मारा था, बट गैस ये मतलब भाई खड़ा होके भाई उसकी पेटी लूट रहा था, तो इसकी यहाँ पे इजीली पेटी बना दी गई। तो गैस आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, आप भाई लेट के करना, क्योंकि गैस जो वेरेंगा मैप में अगर आप लूट करते हो ना भाई लेट के, तो भाई आपको स्प्रे नहीं पड़ेगा बंदे का। अगर गैस आप गोल्डन वुड में करते हो ना, तो गैस उसमें स्प्रे पड़ सकता है, क्योंकि गैस गोल्डन वुड में ज़्यादा एम चिपकता है, तो भाई इस वाले मैप में तो इतना नहीं चिपकता। तो भाई आपको हमेशा लूटते हो ना, तो भाई पेटी आपको भाई लेट के लूटनी पड़ेगी। यहाँ भी गाइस इस वाले बंदे के साथ देखना भाई क्या ही सीन करता हूँ। इस वाले बंदे के भाई बीआरडीएम में मैं बैठ तो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे भाई मैं इंतजार कर रहा था भाई ये वाला बंदा भाई कब बीआरडीएम को भाई स्लो मोशन में करे, तो यहाँ पे बस देखो इसके साथ क्या करता हूँ। देखो गाइस भाई जो बीआरडीएम वाला बंदा आता है, जो जोन के बाहर से भाई बीआरडीएम लेके आता है, तो गाइस उसको भाई ये डर लगता है कि मतलब भाई मैं किसी भी बंदे को नहीं बैठाऊंगा अपनी बीआरडीएम में, क्योंकि गाइस ज़्यादातर बंदे भाई क्या करते हैं मेरी तरह भाई ग्लिच यूज करके भाई उस वाले बंदे को ईजी मार देते हैं और भाई उसकी मेहनत पर भाई पानी फेर देते हैं। यहाँ पर गाइस भाई लास्ट का सर्कल बन चुका था और भाई मैं अपनी बीआरडीएम पीछे कर रहा था, सामने की तरफ भाई एक बंदे ने आइस वॉल बनाया होता, तो इसको डैमेज देने का मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर। तो बस देखो और यहाँ पर गाइस भाई सामने वाले बंदे ने क्या ही डैमेज दिया, मैंने इसकी पेटी भाई बीआरडीएम से कुचल के बना दी। अब बच रहा था भाई लास्ट वाला बंदा, जो कि गाइस बीआरडीएम के अंदर होता है और इसके पास होती है भाई सबसे खतरनाक गन, जो कि गाइस आरपीजी। तो बस यहाँ पे एंजॉय करो। अब देखो गाइस भाई इस वाले बंदे के पास तो होती है भाई आरपीजी, तो भाई मैं इसे ऐसा तो नहीं मार सकता, इसको भाई ग्लिच यूज करके मारना पड़ेगा। अगर गाइस मैं इसको मारता हूँ तो भाई आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो गाइस कर देना। तो बस यहाँ पे फाइट एंजॉय करो, इस वाले बंदे को भाई मैं कैसे मारता हूँ यहाँ पे। तो गाइस इसी के साथ हो जाता है मेरे यहाँ पे इजीली चिकन डिनर। तो गाइस गेम प्ले कैसा लगा कॉन्करर लॉबी का? आज गाइस मैं क्राउन 2 पे आ चुका और कल भाई अपना पक्का कॉन्करर हो जाएगा, तो गाइस कल तैयार रहना भाई, कॉन्करर होने वाला है तुम्हारे भाई का। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करना बनता है, तो गाइस कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।